ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे का निधन। दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज, बुधवार सुबह 9:28 पर माधवी राजे सिंधिया का निधन हुआ है। पिछले कुछ महीने से उनका इलाज चल रहा था। वह निमोनिया के साथ साथ सेप्सिस से भी पीड़ित थी और पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। उन्होंने बुधवार को दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। सुबह 9:28 पर उनका निधन हुआ है। पिछले कुछ महीने से उनका इलाज चल रहा था। वह निमोनिया के साथ साथ सेप्सिस से भी पीड़ित थी और पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थी। माधवी राजे सिंधिया के बारे में जाने, माधवी राजे नेपाल के राजघराने से थी। वह चैरिटी के काम में काफी सक्रिय रहती थी। माधवी राजे 24 धर्मार्थ ट्रस्टों की अध्यक्ष थी जो शिक्षा और चिकित्सा देखभाल जैसे क्षेत्रों में सहायता देती हैं। उन्होंने अपने दिवंगत पति माधव राव सिंधिया की याद में महल संग्रहालय में गैलरी भी बनवाई। ग्वालियर के तत्कालीन महाराज माधव राव सिंधिया से उनकी शादी 8 मई 1966 को हुई थी। माधव राव सिंधिया की गिनती देश के ताकतवर नेताओं में होती थी। उनका निधन एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया था। माधवी सिंधिया नेपाल के शाही परिवार से थी। उनके दादा शमशेर जंग बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। माधवी राजे को प्रिंसेस किरण राज लक्ष्मी देवी नाम से भी जाना जाता था। माधवी राजे सिंधिया की सास वेजिया राजे सिंधिया जनसंघ की संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वहीं उनके पति माधव राव सिंधिया कांग्रेसी कद्दावर नेता रहे हैं। माधव राव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे थे। मार्च 2020 में वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।